देखो बेटा, तो ये सर्किट में मुझे तीन अलग अलग पॉइंट दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पॉइंट का वोल्टेज है, पोटेंशियल है 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, बराबर। सर्किट में आपको करंट दिया ही है कि भाई करंट यहां से इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, एंड बोला है कि ये आई है। ये भी बोला है कि ये वाला करंट आई टू है। अब आई वन क्यों नहीं लिया मुझे नहीं पता। अगर आप बोलते हो बेटा कि फर्स्ट मूवी कोई मिल गया थी, उसके बाद क्रिस थी, फिर क्रिस नहीं थी, क्रिस टू थी कुछ, तो क्रिस वन क्यों नहीं थी वो मुझे नहीं पता। करंट आई, इस डायरेक्शन में करंट गया आई टू, तो बाकी कितना बच्चा, आई माइनस आई टू। आपको फाइंड करना है आई, आपको फाइंड करना है वी ओ, ओ मतलब जंक्शन, यहां का पोटेंशियल फाइंड करना है, एक आई एक वीओ, बराबर। अच्छा, सर्किट में कितने कितने करंट है, दो अननोन करंट है, एक आई एक आई टू। दो अननोन करंट के लिए दो इक्वेशन चाहिए, बराबर ना। दो इक्वेशन मैं दो पाथ से ले रहा हूं, 102, 103, ये दो पाथ के लिए किरचॉफ्स सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे हम। दो इक्वेशन मिलेंगे जिसमें से आई टू को एलिमिनेट कर देंगे, आई मिल जाएगा। उसके बाद फाइंड करना है जंक्शन का पोटेंशियल, तो वन से लेकर ओ तक किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे, वीओ मिल जाएगा। ये मेथड है, बराबर। तो स्टार्ट करते हैं, जाने 102 पाथ के लिए किरचॉफ्स सेकेंड रूल अप्लाई करो। चलो V1 माइनस 10I माइनस 20I2 इज इक्वल टू V2। V1 की वैल्यू बेटा थी 10 वोल्ट माइनस 10I माइनस 20I2 इज इक्वल टू 6। 6 को इस साइड लेकर आओ, 10 माइनस 6 4, ये दोनों को सामने लेकर आओ, 10I प्लस 20I2, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूं। चलो ठीक है, 2 इज इक्वल टू 5I प्लस 10I2। हसो मत बेटा, स्कॉलर है, टॉपर है, हाईएस्ट है। हाँ, होती होती, चलो सही है। सेकंड सुजल जो वाइब्रेशन मोड पर है, 103 पाथ के लिए किरचॉफ सेकंड रूल, V1 माइनस 10I माइनस 30I माइनस I2 इक्वल्स टू V3। ठीक है बेटा, V1 की वैल्यू 10 माइनस 10I माइनस 30I प्लस 30I2 5, बराबर। 5 को इस साइड लेकर आओ, 5 इज इक्वल टू माइनस 10I माइनस 30I माइनस 40, सामने लेकर आओ, प्लस 40I माइनस 30I2। पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, 1 इज इक्वल टू 8I माइनस 6I2। मेरे पास बेटा अब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से I2 को एलिमिनेट करना है। 10 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। चलो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 12 इज इक्वल टू 30I 6 से मल्टीप्लाई करो प्लस 60I2। 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 80I माइनस 60I2।
दोनों का डायरेक्ट एडिशन ले लो, ये कट हो गया, 30 माइनस 80 110 i, ये हो गया 22, तो i इज इक्वल टू 22/110, 11 2 11 10 0.2 एम्पियर करंट आपको मिला, सही है। अब मुझे फाइंड करना है जंक्शन का पोटेंशियल। यस, वन ओ पाथ के लिए किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करो, चलो अ नहीं लिख सकता मैं, वी वन माइनस 10 i इज इक्वल टू ओ पॉइंट पे पहुंच गए, बड़ा बड़े वी वन 10 माइनस 10 i की वैल्यू 0.2 VO, 0.2 × 10 2, तो जंक्शन का पोटेंशियल होगा 8 वोल्ट। क्लियर है, पक्का?